जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सब भाइयों का हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। सज्जनों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक कहानी लेके आए हैं। देखेंगे इस कहानी में एक साधु, एक संत जी कहते हैं कि पाप कितना भी छिपाओ लेकिन वो एक दिन उभर के ही आता है। तो क्या है इस कहानी का रहस्य और इस कहानी से हमें क्या मिलता है, तो ये जानने के लिए अर्थात समझने के लिए हमारी वीडियो की समाप्ति तक बने रहें। दोस्तों, एक नगर में दो आदमी रहते थे और वो दोनों आदमी बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। उसमें से एक का नाम धर्मबुद्धि था और एक का नाम पाप बुद्धि था। धर्म बुद्धि जिसका नाम था वो हमेशा धर्म के काम करता था, न कभी जिंदगी में झूठ बोलता, न कभी दूसरे को परेशान करता था और हमेशा यही कहता रहता था कि जान जाए पर मेरा धर्म न जाए। और दूसरा उसका जो मित्र था उसका नाम पाप बुद्धि था। वो हमेशा पाप करता रहता था, चोरी करता, डकैती करता, इंसानों को दुख पहुंचाता रहता था। यही सोचता रहता था कैसे भी हो, चाहे चोरी से चाहे बेईमानी से हमारे पास धन हो। एक दिन पाप बुद्धि ने सोचा अब हम इस नगर में रहेंगे तो अमीर तो नहीं बन पाएंगे, क्यों ना हम अपने मित्र धर्म बुद्धि से जाकर के कहें कि बड़े शहर में चल के और वहां धन कमाएं। ये सोच करके वो पाप बुद्धि अपने मित्र धर्म बुद्धि के पास में पहुंचा और उसने कहा कि भैया, इस नगर में रहेंगे तो अमीर नहीं बन पाएंगे, और ऐसा करते हैं चलो कहीं बड़े शहर में जाकर के बहुत सारा धन कमाएंगे और तब अमीर बनेंगे, और मेरे पास में इतनी बुद्धि तो खैर है नहीं, आपके पास बुद्धि ज़्यादा है, और आपकी अगर इच्छा हो तो आप चलें और हम लोग धनवान बने। धर्म बुद्धि पाप बुद्धि की बात को सुनकर के तैयार हो गया, कहने लगा भैया, मैंने आपसे मित्रता की है और मैं आपका हर तरीका से साथ दूंगा और आप चलिए। दोनों मित्र पैसा कमाने के लिए चल देते हैं और एक बड़े शहर में जाकर के पहुंचे। वहां बड़े बड़े कारोबार थे तो ये पैसा कमाने के लिए लग गए और इन्होंने बहुत मेहनत की। एक दिन बहुत पैसा इन लोगों ने कमा लिया तो एक दिन पाप बुद्धि कहने लगा अपने मित्र धर्म बुद्धि से, अब हमने बहुत पैसा कमा लिया है और चलो अब घर चलते हैं। और आप तो ये जानते ही हैं कि जब ज़्यादा धन अगर कमा लेते हैं तो मन में ये आने लगता है कि चलो घर चलते हैं, क्योंकि घर की यादें आने लगती हैं। धर्म बुद्धि कहने लगा चलो भाई। अब ये उस बड़े शहर से अपने नगर की ओर जब चल देते हैं और जाकर के ये एक जंगल में पहुंचे तो पाप बुद्धि के मन में ये विचार बन गया, पाप आ गया, क्यों ना हम किसी तरीका से ये धन अपने हवाले कर लें। तो उसने धर्म बुद्धि से कहा, भाई अगर घर पे चलेंगे तो रिश्तेदार आएंगे, दोस्त वगैरह आएंगे और वो पैसा मांगेंगे, ऐसा करते हैं थोड़ा सा पैसा घर लेके चलते हैं और बाकी पैसा यहाँ जमीन में दबा देते हैं और फिर वापस में निकाल लेंगे। बोले ठीक है भैया। तो उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदा और उसमें वो धन दबा दिया, थोड़ा सा धन लेकर के ये घर पहुंचे। एक दिन पाप बुद्धि ने सोचा चलो ये धन हम निकाल लाएं, हमारे पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा और जब धर्म बुद्धि पूछेगा तब हम उससे कह देंगे कि ये धन चोर निकाल ले गए हैं। पाप बुद्धि उठा और जाकर के वो सारा धन पीपल के नीचे जो गड़ा हुआ था वो निकाल लाया। दूसरे दिन जाकर के बोला अपने मित्र, चलो धर्म बुद्धि भैया वहाँ चलते हैं और जो अरका धन गड़ा हुआ है वो निकाल ले आते हैं।
धर्म बुद्धि को लेकर के पाप बुद्धि जब पहुंचा और वहां पाप बुद्धि गड्ढा खोदने लगा, जब धन तो बात था ही नहीं, वो खुद निकाल ले गया था। हुआ ऐसा, अपने माथे पर हाथ मारा, रोने लगा और कहने लगा, भैया हमें ये लग रहा है कि ये धन चोर ले गए हैं। रोने लगा तो धर्म बुद्धि कहने लगा, चोर तो नहीं ले गए, हमें ये लग रहा है कि आप ले गए हैं। बोले, मैं क्या चोरी कर सकता हूं। परिणाम ये हुआ कि दोनों लोगों में झगड़ा बढ़ गया, और दोनों लोगों में जब झगड़ा बढ़ गया तो धर्म बुद्धि कहने लगा, अब ऐसा करो, पंचायत करवा लो। बोले, पंचायत कौन करेगा। बोले, कि राजा करेगा या न्यायाधीश करेगा। बोले, ठीक है। जाकर के लोगों से कहा धर्म बुद्धि ने, दूसरे दिन पंचायत रखी गई। उससे पहले जो पाप बुद्धि था वो अपने पिताजी के पास पहुंचा, सारी बात बताई और कहा, पिताजी गवाह कोई है नहीं, और ऐसा करते हैं तुम जाकर के वहां पीपल की एक छोटी सी गुफा है जड़ के पास में, वहां बैठ जाना, जब पूछा जाएगा पीपल से तो आप कह देना कि चोर धर्म बुद्धि है। बोले, ठीक है। अब पंचायत लगने से पहले पाप बुद्धि का पिताजी जाकर के उस वृक्ष में एक गुफा सी थी उसमें बैठ गया छिपके। पंचायत लगी उस पीपल के नीचे, और उस वृक्ष से पीपल से पूछा गया गवाह के रूप में कि बताइए इन लोगों में चोर कौन है। तो जो कपटी मित्र, जो पाप बुद्धि का पिता बैठा हुआ था उस गुफा के अंदर, वो कहने लगा कि चोर तो धर्म बुद्धि है। यानी उसने अपनी चाल से धर्म बुद्धि को चोर साबित कर दिया, लेकिन गांव के पंचायत वालों ने ये कभी ये यकीन नहीं किया कि धर्म बुद्धि चोर हो ही नहीं सकता है। धर्म बुद्धि थोड़ा दिमाग से काम लिया और उसने लकड़ी इकट्ठा की, और लकड़ी इकट्ठा करने के बाद में चारों ओर आग लगा दी। और जब आग जलने लगी और वो गुफा के अंदर बैठा हुआ था, जब उसे आँच लगी और उसके कपड़े झुलस गए, तो वो निकल करके भागा, लोगों ने पकड़ लिया। कहने लगे, इसका मतलब है कि चोर ये पाप बुद्धि है। तो पंचायत वालों ने वो सारा धन धर्म बुद्धि को दिलवा दिया। तो कहने का मतलब है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि पाप कितना भी छिपाओ, पापी आदमी वो एक दिन उभर के ही आ जाते हैं, पाप कभी छिपता नहीं है। तो सज्जनों, कैसी लगी ये कहानी? अगर ये हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और दूसरों को भी शेयर करना। राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।